हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फेरी टेल्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको तीन जगहों के बारे में बताया जो भारत की मोस्ट हॉन्टेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ और जगहों के बारे में बताऊंगा जो भारत की मोस्ट हॉन्टेड लिस्ट में है। जीपी ब्लॉक मेरठ। मेरठ स्थित जीपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। यह औरत यहाँ जीपी ब्लॉक के एक घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर चार पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी पर बैठे हुए भी देखा है। इस जगह पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। अग्रसेन की बावली दिल्ली। दिल्ली स्थित अग्रसेन की बावली देखने में और घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और उसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज़्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमय घटनाएं होती है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी उनके भूत इसी पुस्तकालय में घूमते हैं। काफ़ी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहाँ से वापस कभी नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब ये लाइब्रेरी खुलती है तो हर दिन काफ़ी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। शनिवार वाड़ा किला पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये किया किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें वाकई रहस्यमय से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक युवा राजकुमार को उसके रिश्तेदारों ने दीवारों के अंदर पटक कर मार डाला गया था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहाँ भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने यहाँ आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का आना वर्जित रहता है। डूमस तट गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित डूमस तट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी कहानियों से भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को लगाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती है। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज़ें आती है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता है। इसके अलावा रात में यह तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है। यहाँ की काली रेत आज भी रहस्य है। चर्च ऑफ थ्री किंग गोवा। गोवा के इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में दो राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही इनकी आत्माएं यहाँ घूमती है। ताजमहल पैलेस मुंबई। मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंटीरियर के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था उसने खुद ही यहाँ आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार जैसी डिज़ाइन इसकी बनाना चाहता था वैसी बन नहीं पा रही थी, इसीलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ आने वाले कई लोगों को लगता है कि उन्होंने किसी परछाई को यहाँ पर देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक हिस्से में ही नज़र आती है। तो दोस्तों, ये थी जगह जो भारत की मोस्ट हॉन्टेड लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, मैं इसका पार्ट 3 लाने वाला हूँ, जिसमें और जगह भी है जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।